वन डायमेंशनल डायग्राम के काइंड्स लिख लो बेटा। मैं दूसरे वाले के लिए कह रहा था ये सिंपल बार डायग्राम है इसका नाम। एक लाइन डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम। इसके अलावा दो और भी होते हैं, डेविएशन बार डायग्राम और ब्रोकन बार डायग्राम। सही है, पूरा लिखना है ना क्वेश्चन टाइप? हाँ बेटा, ये छोड़ो, ये लाइन छोड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, छोड़ो। काइंड्स लिख लो सीधा सीधा। ये सिंपल बार डायग्राम के लिए उसने बोला कि ईयर दिया हुआ है और प्रोडक्शन इन टर्न्स दी हुई है। ठीक है बेटा, ईयर दिया है 91, 92, 93, 94, 95, प्रोडक्शन इन टर्न्स दिया है 45, 40, 42, 55, 50. हमने क्या किया बेटा, इसका डायग्राम बनाया। डायग्राम कैसे बनाया बच्चे? मैंने एक्स एक्सिस पे लिया क्या, एक्स एक्सिस पे बेटा मैंने लिया ये ईयर। एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं मैंने क्या लिया बच्चे, यहां पर मैंने क्या लिया ईयर, और वाई एक्सिस पे ले ली मैंने प्रोडक्शन। बेटा देखो, ईयर तो समझ में आता है कि आपको इक्वल ही लेना है, 91, 92, 93, ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयर में कोई डेविएशन नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा नहीं दिया होगा कि 91 के बाद 95 दिया है या 2010 दिया, ऐसा नहीं दिया। 91 फिर 92 फिर 93 फिर 94, 95, ऐसे चल। आपका जो ग्राफ होगा ना, उस ग्राफ में आप एक बॉक्स को एक बार के लिए रख सकते हैं। बॉक्सेस होते हैं बेटा ग्राफ पेपर में, याद है आपको? ग्राफ पेपर देखे हुए कितना जमाना हो गया बेटा, लास्ट टाइम कब देखा था ग्राफ पेपर बच्चे? हैं, टेंथ के बोर्ड में ना? नहीं, कल सर। कल देखा था? कुछ दिन पहले देखा था। देखा था, चलो बेटा फिर देख लेना, ऐसे निकाल के कॉपी में देख के फिर वापस रख देना बेटा, है? उसको ज्यादा दिक्कत नहीं देना बेटा, परेशान ना हो जाए वो तुमसे। और ये जो मेन स्केल है बेटा, ये अब ये स्केल किस पे डिपेंड करने वाला है? ये जो तुम्हारा डेटा है उस पे डिपेंड करने वाला है। तुम्हारा डेटा ये है, देखो तुम्हारे डेटा में मिनिमम जो है, मिनिमम फिगर कितनी है बेटा, 40, और मैक्सिमम फिगर कितनी है, 55। अगर मिनिमम फिगर 5 और मैक्सिमम 55 होती ना, बड़ा आसान होता हमारे लिए, हम 5-5 का स्केल ले लेते, शुरू ही 40 से हो रहा है और 55 में खत्म भी हो गया, तो यानी टोटल 15 में खत्म हो गया बेटा। 55 मैक्सिमम माइनस 40, 15 यूनिट्स में सारा खत्म हो गया। अच्छा, 15 यूनिट्स होती ना 0 से 15, तो भी आसान था कि भाई मैं 3-3 का स्केल ले लेता, 2-2 का स्केल ले लेता, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, है ना। लेकिन ये 40 से 15 है, तो इसमें 40 से 15 बढ़ाकर आप 55 तक पहुंचो, तो आपको 40 और 15 के बीच की कहानी है सारी, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा यहां पर स्केल लेता है 10, 20, 30, 40, 50 और 60, अब आप देखो उसका डायग्राम इसके बीच में खत्म हो जाएगा, इसके बीच में, हाँ या नहीं? आप कोशिश करो कि जो 40 से 15 है इसमें थोड़ा तो एरिया हो हमारे पास कि हम दोनों, अब जैसे इसमें जब आप बार बनाओगे ना, तो सारे बार ऑलमोस्ट आपको एक जैसे लगेंगे क्योंकि सब इसी रेंज में आने हैं। तो आपको ये 40 से 55 वाला जो एरिया है ये थोड़ा वाइडर लेना है ताकि आपके बार्स के साइज अलग अलग दिख सके। देखो बेटा, डायग्राम का मतलब क्या होता है कि भैया जो डायग्राम देखे वो डायग्राम को एक आंख देखते ही, जिसको हम कहते हैं बर्ड आई व्यू, एक बर्ड आई व्यू देखते ही उसको पता चले कि हाँ भाई इस साल में प्रोडक्शन कम थी, इस साल में ज्यादा थी, इस साल में कम है, इस साल, उसको पता चलना चाहिए। लेकिन अगर आपने इतने से में ले लिया
तो ज्यादा गैप्स नहीं दिखेंगे, है ना। सो यू नीड टू टेक अ स्केल जहां पर थोड़ा सा गैप बड़ा हो, और ये कोशिश करना कि ये वाले जो हैं 10 से 11, मतलब जैसे ये एक है, दो, तीन, चार, ये पॉइंट 10 से 11 हो, इससे ज्यादा ना हो। 20-20 पॉइंट वाला वाई स्केल बहुत बड़ा हो जाता है वाई एक्सिस। अब देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया डायग्राम को। हमने क्या लिया, 15 का स्केल ले लिया। अब 15 के स्केल में यहां पर, यहां इसमें भी स्केल मेरे हिसाब से दिस स्केल इज नॉट राइट। हमने जो 15 का स्केल लिया है, दिस स्केल इज नॉट वेरी गुड, फिर भी ठीक है, 10-10 के स्केल से थोड़ा ठीक है। आप अगर इसमें भी देखें तो आपका जो सारे बार्स हैं, वो सारे बार्स इसमें इस एरिया से लेकर 40 से लेकर और ये 55 तक खत्म हो गए, है ना। ये 40 और 55 के बीच में खत्म हो गए, कोई यहां बार नहीं खत्म हो रहा, कोई यहां बार नहीं खत्म हो रहा, सारे बार इसके बीच में ही खत्म हो गए। सर ये तो कंफ्यूजन हो गई हमें, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि स्केल ऐसा लो जिसमें ये थोड़ा सा वाइडर दिखे, ये थोड़ा सा इसमें कोई कोई एक वेरिएशन दिखे। आप एक काम करिए, मेरे सामने एक डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी में, जहां ये स्केल ले लीजिए 5 का, 10, 15, 20, ठीक है, और उसमें ये फिगर्स प्लॉट करिए। शाबाश, इसका डायग्राम बनाना बेटा वाई एक्सिस पर 5-5 का स्केल लेकर। ओके सर। मूव अहेड, अगला बार डायग्राम आ गया बेटा हमारे पास।
तो इसमें स्केल में क्या लिखेंगे? स्केल में यहाँ पे बेटा ईयर आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर प्रोडक्शन इन टर्म्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ, अब मल्टीपल बार डायग्राम देखो बेटा। मल्टीपल बार डायग्राम में इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। बार्स आर कंस्ट्रक्टेड साइड बाय साइड टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर कंपैरिजन। ये बेटा आप लिख लेंगे मल्टीपल बार डायग्राम के बेस के लिए। इसका है कंपेयरिंग टू और मोर सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा कॉमा बार्स आर कंस्ट्रक्टेड साइड बाय साइड टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर कंपैरिजन। आपने क्या करना है, वही सेम डायग्राम है बेटा। आपने जैसे भी सिंपल बार डायग्राम बनाया था उसमें ईयर में सिर्फ एक था ना, यहाँ दो दो होंगे इकट्ठे, और दोनों के जैसे इसमें तो कलर अलग अलग हैं। आप क्या करोगे, आप तो कलर अलग अलग कर नहीं सकते, आप किसी एक में कोई एक डिजाइन बना देंगे, किसी एक में कोई एक डिजाइन बना देंगे। जैसे ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपका तो प्लेन डायग्राम होगा, आपका ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला ऐसे बन जाएगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला ऐसे बन जाएगा। हो गया? तो अब देखने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना रहेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ईयर वाला स्केल तो सिंपल है बेटा, ये वाले स्केल में आपने ये देखना है मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, इतने या पॉइंट्स ना आ जाए कि 15-20 पॉइंट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट सोच के रखो। जैसे यहां पर 1, 2, 3, 4 पॉइंट है ना, आप ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट सोच के रखो। ठीक है, इसने 50 का स्केल लिया है, मैक्सिमम वैल्यू है। आप एक काम करो 20 का स्केल लो और यही वाला डायग्राम बनाओ। यहां पर 20 का स्केल लो बेटा, 20, 40, 60, 80 ऐसे करके। अच्छा बेटा, इसी को अगर हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाएं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम यानी एक ही बार बनाना है, तो ये जो फैमिली ए है, फैमिली ए का टोटल खर्चा है बेटा 175 रुपए, जिसमें 75 रुपए फूड पे खर्चती है, क्लोथिंग पे 20 रुपए, पढ़ाई लिखाई पे 15 रुपए और हाउसिंग रेंट पे 40 रुपए, मिसलेनियस में 25 रुपए। अब हमारी व्यथा देखिए हमारे देश की, हम सबसे कम खर्चा एजुकेशन पे करते हैं, और ये माना हुआ तथ्य और माना हुआ फैक्ट है हमारे देश का, हमारे देश में सबसे कम खर्चा एजुकेशन पे होता है, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे ऑलरेडी हैं, हमारे यहाँ बच्चा पैदा ही पढ़ा लिखा होता है बेटा, कई जगह तो पीएचडी बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, किसी के घर ग्रेजुएट पैदा हुआ नाराज ही हो गए माँ बाप, ए नहीं नहीं ग्रेजुएट आई डोंट वॉन्ट, आई नीड एटलीस्ट एम कॉम, मैं ये तो गड़बड़ हो गई। तो पढ़े लिखे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई पे खर्चा जो है वो कम होता है, यहाँ देखिए। ठीक है, तो हमने इस टोटल खर्चे को डिवाइड करके दिखाना है बार में। रिया अग्रेसी किसमें दिखाना है? ग्रेसी? यस सर। टोटल खर्चे को किसमें दिखाना है बेटे? हमने डिवाइड करके दिखाना है बार पर। हाँ, बार में, कौन से वाले बार में? रेक्टेंगुलर बार। हाँ, मैं कहीं दिमाग ना कहीं और चले बेटा, तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर बार में ये सारे से दिखा, हम क्या करेंगे सबसे पहले ये 175 को ले लेंगे हम, ये वाई एक्सिस है बेटे। ठीक है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है बच्चों। अभी बनाया कैसे मैं आपको बताता हूं। हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने सबसे पहले एक्सक्यूज मी, मैक्सिमम खर्चा कितना हुआ है 175 का, तो 175 का बार बना लिया मैंने, 175 पे पूरा बार बना लिया। ठीक है, 175 पे बार बनाने के बाद
ये डेटा है बेटा, सबसे पहला क्या डेटा है? 75. सबसे पहले डेटा क्या है? ये डेटा याद रखना, 75, 20, 15, तीन याद रखना, 75, 20 और 15. देखो तो हमने पहले 75 पे एक काटा, पहला मैंने 75, ये यहां थोड़ा 3D की वजह से ऐसा गड़बड़ हो गया है. सबसे पहले 75 पे, फिर 75 के बाद 75 के बाद मैंने किस पे काटा, 75 और 20, 95 पे काटा. मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊं क्या, थोड़ा कंफ्यूजन हो तो गिव मी 2 मिनट, मैं दोबारा बनाऊं, 2 मिनट. एक फैमिली ए के लिए बनाना है, एक फैमिली बी के लिए बनाना है. अब यहां पर दोनों को बनाना है, दिखाना कितना है, 175 और 225. ठीक है, आपको इन दोनों को तो कंसिडर करना ही है कि आपका टॉप जो वाई एक्सिस पे टॉप जाएगा वो कम से कम 225 कवर करे वो. ठीक है, और मिनिमम आपने ये ध्यान रखना 10 भी दिखाना है. अब आप सोचो 10 भी दिखाना है और 225 भी दिखाना है, तो ऐसा स्केल लेना है जिसमें ये दोनों कवर हो सके. और लेकिन ये आइटम्स भी 10 से ज्यादा ना हो, 10-11 ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, 10-12 इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये आइटम्स. तो मेरे को लगता है अगर मैं 10-10 का स्केल लेता हूं तो 225 तक पहुंचने के लिए मुझे 22 पॉइंट चाहिए, 23 पॉइंट. और अगर मैं 20 का स्केल लेता हूं तो 10-12 में मैं निपट जाऊंगा. 20 से ऊपर का स्केल लिया, अगर मैंने 40 का स्केल लिया बेटा, अगर मैंने 40 का स्केल ले लिया तो मैं ये 10 दिखाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. 40 के स्केल में 10 कैसे दिखाओगे सोचो, इट विल बी डिफिकल्ट. ठीक है, तो आप ये करें, कोशिश ये करें कि आप इतना स्केल लें जहां ये मिनिमम भी विजिबल हो और मैक्सिमम भी. तो मैं 20-20 का स्केल ले रहा हूं यहां पर, 20, 40, 60, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220. मान साहब सोया करो बेटा रात को, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240. अब पहले वाला मुझे ले जाना है 175 पे. किस पे ले जाना है? 175 पे. तो मैं 175 पे इसको लेके जा रहा हूं बेटा. पे लिया. अब मुझे ये सब भी दिखाने हैं बेटा, 175 के अंदर ये भी दिखाने हैं मुझे. 75 सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है, 75 देखना बेटा. मुझे क्या दिखाना है, 75. कैसे दिखाऊं? मैं 75 पे एक कट मारूंगा, 75 पे ये एक कट मारा. ठीक है, फिर 75 के बाद मुझे कितने दिखाने हैं, 20 दिखाने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने 75 प्लस 20 कितना हो गया बेटा, 95. लेट मी चेंज इट, 75 प्लस 20, 95. ठीक है, फिर 15 और ऐड करने हैं इसमें. 95 और 15 कितने हुए बेटा, 110. 95 और 15 कितने हुए, 110. तो 110 तक और ले जाना मैंने इसको. ठीक, अब इसके बाद 40 और ऐड करना है बेटा. 110 और 40 कितना हो गया, 150. लास्ट में जो ब्राउन बच गया है वो अपने आप 25 बच गया बेटा. 150 प्लस 25 ये 75 बच गया. आप करोगे क्या,
आप इसमें ऐसे जो कलर्स आपने लिए हैं उसके बॉक्सेस, आप कलर नहीं लेंगे वहां डिफरेंट डिजाइंस लेंगे, तो उनके बॉक्सेस आप बनाएंगे और उन बॉक्सेस के आगे आप नाम लिख दोगे कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये बॉक्सेस मैंने लिए थे, जो जो लिए थे उनके आगे मैं उनका नाम लिख रहा हूं कि मैंने क्या दिखाया था। बेटा सबसे पहले मैंने 75 ये फूड दिखाया, येलो में फूड, ग्रीन में क्या दिखाया क्लोथिंग, फिर एजुकेशन में दिखाई मैंने ब्लू, एजुकेशन ब्लू, फिर क्लोथिंग हाउसिंग रेंट दिखाया और फिर मिसलेनियस। तो इस तरह से आप जो है, मैं तो कलर्स कर रहा हूं बेटा क्योंकि मेरे लिए यहाँ कलर करना पॉसिबल है, आप वहां पे डिफरेंट डिजाइन बनाएंगे, किसी में चेक्स, किसी में स्ट्रेट लाइंस, किसी में डायगोनल लाइंस, किसी में कुछ ऐसे करके दिखाएंगे। ठीक है,